लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या बात है कमिश्नर साहब? बड़े घबराए हुए से लग रहे हैं आप। एसपी कुंदन सिंह आजाद होकर यहां से चला गया है। हम जानते हैं, लेकिन घबराइए मत, हम उसे फिर से पकड़वा लेंगे। शेर जब बंधा होता है तो वो सर्कस का होता है, लेकिन जब वो आजाद हो जाता है तो वो जंगल का शेर हो जाता है। कुंदन सिंह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। कमिश्नर, हवा के झोंके से कश्ती डगमगा जाए तो वो तूफान से क्या टकराएगी? अरे हम तो वो चट्टान है जिससे टकराकर तूफान भी अपना दम तोड़ देता है। दम तो मेरा निकला जा रहा है ये सोचकर कि डिपार्टमेंट मुझे नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले कुंदन सिंह मुझ पर हमला करेगा क्योंकि मैंने वर्दी की बेइज्जती की है। इस तरह से डरपोक बनकर हमें डराओ मत कमिश्नर। हम तुम्हारी नौकरी को किसी किस्म की आंच तक नहीं आने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम होम मिनिस्टर से भी तुम्हारे बारे में बात कर लेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठाकुर साहब, क्योंकि मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। नो इट्स ओके सर। बैठो बैठो। थैंक यू। शमशेर सिंह के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जी जरूर शमशेर सिंह के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, जो उन लोगों के साथ तुमने बगावत की। मैं उन सब लोगों को खत्म कर दूंगी सर। क्यों? हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ सच सच बता दो, हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। सर मैं एक लॉ की स्टूडेंट थी, मेरे एक भाई थे, भाभी थी, उनकी बच्ची थी, हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन अचानक जिंदगी ने एक ऐसा करवट लिया कि हर चीज तिनके तिनके की तरह बिखर गई। मेरे भैया शहर के बहुत नामचीन जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने शमशेर सिंह का पर्दा फाश कर दिया था, और उसी बात को लेकर शमशेर सिंह ने जिस बेरहमी से मेरे भाई के खानदान को खत्म किया, उसी बेरहमी से मैं शमशेर सिंह के खानदान को खत्म कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे, बर्बाद कर दूंगी। टेलीफोन पर शमशेर सिंह के खिलाफ खबर तुम देती थी ना? जी सर, शमशेर सिंह की बर्बादी से मुझे खुशी मिलती है सर। ऐसा लगता है कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल रही हो। हम दाद देते हैं तुम्हारी दिलेरी की, मगर शमशेर सिंह जैसे खूंखार आदमी की ताकत से तुम टकरा सकोगी? मैं जानती हूं सर, वो बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन मेरी बदले की भावना के आगे उसकी ताकत बहुत छोटी पड़ जाएगी। हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, लेकिन कानून को कभी हाथ में मत लेना। अब वादा करते हैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब शमशेर सिंह से हम लेंगे। क्यों शन्नो, मिल के आ गई ना उस साले एसपी से? साला अपुन का माथा उसी टाइम ठनक गया था जब तू उसको पानी पिला रही थी। शायद तू भूल गई कि ठाकुर की अदालत में गद्दारों को क्या सजा दी जाती है। Ah!
ये काम एसपी कुंदन का है भैया, वो अपने हर घाव का बदला लेगा हम सबसे। कहाँ है कमिश्नर? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तू सब बताएगा। बोल कहाँ है तेरा बाप? बोल कहाँ है कमिश्नर? छोड़ दे, मुझे छोड़ दे प्लीज। मैं सब कुछ बता देता हूँ। छोड़ दे मुझे प्लीज, मैं बता देता हूँ। कौन है भाई? रघु शरू जगू मुझे माफ कर दो। एसपी साहब माफ कर दो। तुम क्या समझे थे कागज के टुकड़े पर इस्तीफा लिखकर अपने गुनाहों से छुटकारा पालोगे? नहीं कमिश्नर, नहीं। मुझे बख्श दो एसपी साहब। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मौत से डर लग रहा है? उस वक्त मौत से डर नहीं लगा जब उन मासूम जिंदगियों से खेल रहे थे? मैं दौलत की लालच में पागल हो गया था। अच्छा, पागल हो गया था तू? मैं भी पागल हो गया हूँ। पागल मैं भी हो गया हूँ कमिश्नर, उन मासूमों की चीखें सुन सुनकर। पागल मैं भी हो गया हूँ तेरी काली करतूतें देख देख कर। और ये पागलपन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम जैसे गद्दारों का खात्मा नहीं कर देता। तुम लोगों की वजह से पुलिस का पूरा महकमा जनता में बदनाम हो चुका है, और बदनामी की ये कालख आज मैं तेरे खून से धोऊंगा। कुंदन सिंह, मुझे जान से मत मारो। तुम जहां कहो, जिसके सामने कहो, मैं अपने गुनाह कबूल करने को तैयार हूं।